गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेस मॉडल या स्पेस फिलिंग मॉडल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्पेस फिलिंग मॉडल या स्फीयर मॉडल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और 3D स्पेस लैटिस के यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम स्फीयर या एक सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम स्पेस फिलिंग मॉडल बोलते हैं। किसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या स्पेस लैटिस के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम यूनिट सेल को किसी स्फीयर या सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम स्फीयर मॉडल या स्पेस फिलिंग मॉडल कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, हम जानते हैं कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे या इसी को हम लैटिस पॉइंट बोलते थे। अब हम जब स्पेस फिलिंग मॉडल हम पढ़ेंगे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो एटम आयन या मॉलिक्यूल को हम एक सर्कल या स्फीयर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हम स्फीयर लिखेंगे, सर्कल बनाएंगे, तो ये सर्कल हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम आयन या मॉलिक्यूल को या यूनिट सेल को दिखाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड या स्पेस लैटिस की यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्फीयर मॉडल का जो यूज करते हैं उसी को हम स्फीयर मॉडल या स्पेस फिलिंग मॉडल कहेंगे। कहने का मतलब इसको हम कैसे हम लिखेंगे कि द यूज ऑफ स्फीयर या सर्कल विच रिप्रेजेंट द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 3D क्रिस्टल लैटिस, 3D क्रिस्टल लैटिस, द यूज ऑफ स्फीयर इन विच रिप्रेजेंट द क्रिस्टलाइन सॉलिड या 3D क्रिस्टल लैटिस ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज स्पेस फिलिंग मॉडल। अभी जो स्पेस फिलिंग मॉडल, हम जानते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, दीज आर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉरी, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोज पैक्ड एंड मिनिमम डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्लोज पैक्ड होते हैं और उसके बीच में जो आपका जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है और जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको हम अब स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इसके बीच में जो आपका जो स्पेस है वो बहुत कम है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हमारे क्या हैं, अधिक हैं। इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोज एंड मिनिमम डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज।
तो अब हम लोग फोकस करेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोज्ड एंड मिनिमम डिस्टेंस एंड लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें हम लिख सकते हैं इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोज एंड मिनिमम डिस्टेंस, देर आर मिनिमम डिस्टेंस प्रेजेंट एंड लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो क्लोज पैक्ड हुए हैं, जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारा थ्री टाइप का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, देयर आर थ्री टाइप्स। पहला हम फोकस करेंगे क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन, क्लोज पैक्ड या क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। दूसरा है आपका क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डी का मतलब टू डायमेंशन। और थर्ड है हमारा क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग एंड थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग। हम एक एक को हम फोकस करेंगे। पहला हम फोकस करेंगे क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन, क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन, क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर सर्कल से दिखाएंगे, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन मीन्स वन डी। अगर मान लीजिए हम क्लोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करें, सर्कल, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो है। इसको हम एक सीधी लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन डायमेंशन में, मींस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो इसको हम कहेंगे क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन। एक हमारी हॉरिजेंटल या वर्टिकल एलाइन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से देखिए, एक हॉरिजेंटल हमारी लाइन बन रही है एक्स एक्सिस के थ्रू, या अगर हम इस तरह से लिखेंगे वर्टिकल एलाइन का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी तो आपका एक ही एक्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन कहें। इफ स्फेयर एलाइंड इन वन डायमेंशन आर नोन एज क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन। दूसरा हमारा है क्लोज पैक्ड इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मीन्स टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लोज पैक्ड इन टू डी। टू डी हमारी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्लोज पैक्टिंग है 2D, वो टू टाइप्स की होती है, क्लोज पैक्ड इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में पहला हमारा है क्लोज पैकिंग SCP, और दूसरा हमारा है HCP। SCP मीन्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और ये हमारा है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब इन दोनों को हमको समझना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है इन टू डायमेंशन। पहला हम फोकस करेंगे SCP। SCP में जो पैकिंग जो फ्रैक्शन जो होता है वो आपका 52.4% होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इन SCP पैकिंग एफिशिएंसी 42.4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पहले हम फोकस करेंगे SCP इन टू डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, SCP इन 2D। अगर हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हम स्फेयर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा स्फेयर है, दीज आर कॉन्स्टेंट पार्टिकल, ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। उसके बाद फर्स्ट लेयर, उसके बाद इसी के ऊपर हमारा ये सेकेंड लेयर का अगर फॉर्मेशन हम कर रहे हैं इस तरह से, दीज आर सेकेंड लेयर, ये हमारा सेकेंड लेयर है, फिर इसी के ऊपर हम थर्ड लेयर अलाइंड कर रहे हैं। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है मीन सर्कल जो हैं एक दूसरे के ऊपर अलाइंड हैं इस तरह से। जैसे हमारे पास मान लीजिए कुछ हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल को हम इस तरह से इस पर रखते जाएं, इस तरह से अगर रखते जाएंगे, फिर इसके ऊपर अगर हम दूसरा इस पर हम रखेंगे इस तरह से, फिर उसके बाद ये, उसके बाद फिर एक तीसरा हम रखते जाएंगे, तो एक हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें अगर हम इस तरह से अगर हम स्क्वायर का फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंतर्गत आप देखिए कि जो मिडिल का जो स्फीयर है, ये जो सेंटर का जो स्फीयर है, ये स्फीयर हमारा 4 स्फीयर को टच कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। ये जो सेंटर का जो स्फीयर है, ये सेंटर का जो स्फीयर है, ये आपका दिस सेंटर स्फीयर आर टच 4 स्फीयर, तो देयरफोर इन SCP कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। अगर हमारा एक स्फीयर, ये जो सेंटर का जो स्फीयर है, ये 4 स्फीयर को आपस में टच कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नेबरिंग एटम, पड़ोसी एटम। जैसे आपके घर होम है, उसके बगल में किसका घर है वो पड़ोसी एटम हो जाएगा, वो नेबरिंग एटम हो जाता है। अगर आपके घर के आगे पीछे बाएं दाएं आपका 4 अगर होम है, 4 पड़ोसी हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से हमारा 4 आवर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहें ये स्क्वायर का फॉर्मेशन हो गया,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ये दो एक्सिस का फॉर्मेशन रहा है, 2D है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करें, स्फीयर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्फीयर एक दूसरे के ऊपर आपका इस तरह से आपका ये बनता चला जा रहा है, फिर इधर भी हम रखते चले जाएंगे, इधर भी रखते चले जाएंगे, तो एक हमारा स्क्वायर का अगर हम फॉर्मेशन इसमें करेंगे तो ये इस स्क्वायर में जो सेंटर का जो स्फीयर है ये 4 स्फीयर को हमारा टच कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, पीएफ कितना आएगा, तो 52.4 आएगा, मींस सिंपल क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो ये हमको इसमें बस फोकस करना है, इन टू डायमेंशन SCP कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, पैकिंग एफिशिएंसी हमारी 52.4। और ये किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है कि एक स्फीयर को हम हॉरिजॉन्टल लाइन फिर उसी के ऊपर हम इस तरह से रखते चले जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम एक स्क्वायर का जो फॉर्मेशन जब करेंगे तो इस स्क्वायर में हम देखेंगे कि बीच में जो स्फीयर हैं वो कितने स्फीयर को टच कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला हम फोकस करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन HCP इन 2D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग इफिशियंसी जो होती है 60.4% होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होता है। कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है तो जो सेंटर का जो स्फीयर है वो 6 स्फीयर को आपस में टच करेगा, तब हमारा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। इसको हम स्फीयर के द्वारा कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी 2 डायमेंशन है तो 2 एक्सिस होगा। ये हमारा स्फीयर है, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए इस स्फीयर में जहाँ पर ये डिप्रेशन है, गड्ढा है, जैसे ये स्फीयर है, इस स्फीयर में यहाँ पर आपका गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो दूसरा जो हमारी एलाइंड बनेगी, दूसरा जो स्फीयर रखेंगे तो अब इस गड्ढे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल हम हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखते चले जा रहे हैं तो इसमें जो आपका जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ और यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी एलाइन हम इस पर रखेंगे, दूसरा स्फीयर हम इस पर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर जो डिप्रेशन हो रहा है तो हम यहाँ पर रखेंगे, फिर इस तरह से, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये ए लेयर हैं तो ये बी लेयर हो गया, फिर उसके बाद पहली लेयर फिर हमारी यहाँ पर स्टार्ट होगी इस तरह से, ये इस तरह से हमारा थर्ड लेयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड लेयर का मतलब कि ये थर्ड लेयर किसके सिमिलर है, ए के सिमिलर है। फिर उसके बाद फोर्थ लेयर हमारा स्टार्ट होगा, जहाँ पर हमारा ये डिप्रेशन है, गड्ढा है, वहाँ पर इस तरह से है बनेगा इस तरह से। ये NCERT बुक में बनाया गया है खूब अच्छे तरह से। अब इसमें हम क्या करें कि हेक्सागोनल मीन्स ये हेक्सागोनल है, इसका इसमें हम फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम इस तरह से मान लीजिए हम ये हेक्सागोनल
रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हमारा हेक्सागोनल है, दीज आर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल हो गया। अब इसमें देखिए जो ये सेंटर है, इस सेंटर से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जो इससे टच करेगा, ये जो सर्कल है ये इस तरह से इसको टच करते हुए फीलिंग होगा, यहाँ पर टच करते हुए। बुक में अच्छे तरह से बनाया है। तो अगर ये सेंटर का स्फीयर 6 स्फीयर को अगर टच करेगा तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP 6। हेक्सागोनल का हम फॉर्मेशन किया, हेक्सागोनल में जो सेंटर का जो ये स्फीयर है, ये सेंटर का जो स्फीयर है 6 स्फीयर को आपस में टच कर रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 60.4 हो जाएगा। तो क्लोज पैक्ड इन टू डायमेंशन में हम देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम यहाँ पर एक चीज़ फोकस करेंगे कि यहाँ पर जो आपका इसमें जो वायर जो बना, ये वायर देखिए, ये स्फीयर, ये स्फीयर, फिर ये स्फीयर जो आपका है, फिर उसके बाद ऊपर जो हमारी जो सेकेंड लेयर है, ये आपस में यहाँ पर इस तरह से टच कर रहा है। टच करने के बाद कहीं पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्पेस आपका दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपका, तो इसको हम कहते हैं वायर्ड बोलते हैं, वायर्ड, या इसी को हम होल बोलेंगे। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन ट्राइंगुलर वायर्ड इज फॉर्म, ट्राइंगुलर वायर्ड इज फॉर्म इन HCP ऑफ टू डायमेंशन। हमें ये फोकस करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग में HCP में कितना होगा, HCP इन टू डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पैकिंग इफिशेंस 60.4% और किस वायर का फॉर्मेशन होगा, तो ट्राई एंगुलर वायर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आपको अल्टरनेट करके यहाँ पर ये वायर बन रहा है, फिर यहाँ भी वायर बन रहा है, फिर इसमें आप देखेंगे इस वाले में, तो इसी का अपोजिट इस तरह से वायर का फॉर्मेशन होता है। एक बार आपका पहली लाइन में आपका वायर जो फॉर्मेशन होगा ये आपका इस तरह से, दूसरा लेयर में आपका इसी का जस्ट अपोजिट बनेगा, फिर उसके बाद अगली लेयर में आपका इस तरह से बनेगा, फिर अगली लेयर में इस तरह से, तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा, वायर कहलाएगा। तो HCP इन टू डायमेंशन ट्राइंगुलर वायर इज फॉर्म्ड। अब आगे हम बढ़ेंगे क्लोज पैक्ड इन थ्री डायमेंशन, क्लोज पैक्ड इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन मतलब कि हमारा थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्लोज पैक्ड या क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन हमारा टू टाइप का होगा, पहला हमारा होगा सिंपल क्यूबिक और दूसरा जो हमारा होगा HCP, दूसरा हमारा होगा क्लोज पैक्ड ऑन दी बेसिस ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज पैक्ड ऑन दी बेसिस ऑफ HCP। पहला हमारा है सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब के लिए स्फीयर को हम एक के ऊपर हम इस तरह से रखते चले जाएंगे, इसी के ऊपर इस तरह से स्फीयर को हम इस तरह से रखते चले जाएंगे,
तो इसको हम सिंपल क्यूब कहेंगे। मतलब है ये कि इसमें एक सिंपल क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सिंपल क्यूब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 होता है। कहने का मतलब जो एक स्फीयर है मीन्स एक यूनिट एटम 6 यूनिट एटम से हमारा टच करता हुआ फिलिंग होगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूब ऑफ 3 डायमेंशन 6। इसको हम समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करें, क्लोज पैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ HCP। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, पहला होगा HCP इन 3D और दूसरा होगा CCP इन 3D। CCP का मतलब होगा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आइए हमारा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारा 3 डायमेंशन में भी है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी है। 2 डायमेंशन में हम देखा स्क्वायर का हेक्सागोनल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आ रहा था। इसमें हम 3 डायमेंशन में भी HCP है, इसको हम क्लोज पैक्ड ऑन द बेसिस ऑफ HCP के आधार पर हम इसको डिवाइड किए हैं 2 पार्ट में, HCP और CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम इसको समझने की कोशिश करें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि HCP इन 3 डायमेंशन में हमारी जो पैकिंग है किस प्रकार से हो रही है। HCP इन 3 डायमेंशन, HCP इन 3 डायमेंशन क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक इन 3 डायमेंशन, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन दोनों की पैकिंग तो हम देख लिया। अब यहाँ पर हम किसी भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हम स्फीयर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो पैकिंग जो होगा, जो एलाइंड बनेगी, पंक्तियाँ बनेगी, ए बी टाइप का रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहला जो हमारा लेयर है, इस पहले लेयर के डिप्रेशन पे गड्ढे पे हमारा सेकेंड लेयर हो जाएगा, फिर सेकेंड लेयर के बाद ये फिर हमारा ये थर्ड लेयर आएगा। तो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, फिर इसके बाद फोर्थ लेयर, फिर हमारा फोर्थ लेयर सेकेंड लेयर के आइडेंटिकल है। इस तरह से हमारा इस 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी एलाइंड हमारी रिपीटेशन होता चला जाएगा। ये इसी टाइप का इसमें पैटर्न बनता चला जाएगा। यहाँ पर जो थर्ड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर पे के डिप्रेशन पे हैं, उसके बाद जो थर्ड लेयर है सेकेंड पे हैं, फोर्थ लेयर है थर्ड पे है, और जो फिफ्थ लेयर है वो आपका फोर्थ पे है। तो ए फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इस स्फीयर में मीन्स इस पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में ए बी टाइप का जो पैटर्न है इसका रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो है हमारा टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है। इन दिस पैकिंग मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्फीयर आर प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल वाइड। इन दिस पैकिंग मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन
टेट्राहेड्रल वायड इज फॉर्म। टेट्राहेड्रल वायड, जब ये आपका जो स्फीयर है आपस में एक दूसरे से टच करते हुए फीलिंग होगा तो इसमें टेट्राहेड्रल वायड का फॉर्म है। टेट्राहेड्रल का मतलब ये है कि जब फोर स्फीयर आपस में टच करेगा तो टेट्राहेड्रल वायड का फॉर्मेशन होगा। टेट्राहेड्रल वायड मीन्स एक स्फीयर हम यहाँ पर इस तरह से बना रहे हैं, दूसरा स्फीयर हमारा इस तरह से है और तीसरा स्फीयर हमारा ये है, 1, 2 और ये 3। फोर स्फीयर आर टच टू ईच अदर टू फॉर्म टेट्राहेड्रल वायड। और यहाँ पर ये फोर स्फीयर को, फोर्थ स्फीयर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टेट्राहेड्रल वायड इन एच सी पी ऑफ 3 डायमेंशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना आएगा, 12 आएगा। सिमिलरली क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को हम फेस सेंटर क्यूबिक बोलते हैं इन 3 डायमेंशन, इसमें जो हमारा जो पैटर्न होगा ए बी सी, आपस में हमारा यहाँ पर एक ए स्फीयर है इस तरह से आपका टच करते हुए ए स्फीयर हो गया, उसके बाद दूसरे कलर का हमारा बी स्फीयर आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ये सी स्फीयर आ गया, ए बी स्फीयर, ए स्फीयर, बी स्फीयर, सी स्फीयर, उसके बाद ए बी सी। इसमें हमारा जो पैटर्न बनेगा ए बी सी, ए बी सी का जो रिपीटेशन होगा वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होगा, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर जो है आपस में जो एलाइंड होकर के ऑक्टाहेड्रल वायड का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्टाहेड्रल वायड इज फॉर्म्ड इन सी सी पी ऑफ 3D। ऑक्टाहेड्रल वायड इज फॉर्म्ड इन सी सी पी ऑफ 3 डायमेंशन। ऑक्टाहेड्रल वायड मतलब जब 6 स्फीयर आपस में टच करेगा तो ऑक्टाहेड्रल वायड का फॉर्मेशन है। इन सी सी पी क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 12। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 ही होगा। 12 इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 समझने के लिए यहाँ पर अगर हम एक स्फीयर हमारा ये है, इससे हमारा 6 स्फीयर आपस में टच करते हुए फीलिंग होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया, और 3 ऊपर आपका स्फीयर इस तरह से फीलिंग होगा, 3 ऊपर और 3 नीचे आपका फीलिंग होगा इस तरह से। तो 3 स्फीयर यहाँ पर ये 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इन दोनों में 6 आएगा। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो हेक्सागोनल का है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा दोनों में 12 आएगा, बट वाइड इज फार्म, टेट्राहेड्रल वाइड इज फार्म इन एच सी पी एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इज फार्म इन सी सी पी। ऑक्टाहेड्रल वाइड का जो फॉर्मेशन होगा वो 6 स्फीयर जो आपस में टच करेगा तो ऑक्टाहेड्रल वायड बनाएगा। 6 स्फीयर का मतलब ये है कि इस तरह से अगर हम स्फीयर बना रहे हैं, ये हमारा स्फीयर हो गया, 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन को हम इस पर हम डाटे डाटे लाइन से हम इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करें, 3 तो स्फीयर ये हो गया बोल्डली लाइन, और 3 स्फीयर को हम डाटे डाटे लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस वायड इज फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वायड।
तो यहाँ पर देखिए जो ये वायर्ड है ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होगा, और यहाँ पर जो वायर्ड है ये टेट्राहेड्रल वायर्ड होगा। इन टेट्राहेड्रल वायर्ड इज फॉर्म एस सी पी एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इज फॉर्म सी सी पी। दोनों में कॉमन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन है। इसमें जो पैटर्न हो है हमारा ए बी टाइप की हमारी एलाइन बनेगी, इसमें जो पैटर्न है ए बी सी टाइप का पैटर्न बनेगा, लेकिन दोनों में वायर्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो ये हमारा, अब उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे जो वायर्ड हम बनाए हैं, कौन कौन वायर्ड है हमारा, टेट्राहेड्रल वायर्ड है और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वायर्ड एंड स्फीयर, ये तो स्फीयर है, ध्यान दीजिए ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और इसके बीच में जो होल बन रहा है इसको हम वायर्ड बोलेंगे। तो स्फीयर और वायर्ड के रेडियस में रिलेशन पढ़ेंगे। स्फीयर के रेडियस को हम कैपिटल आर से दिखाएंगे और वायर्ड के रेडियस को स्मॉल से दिखाएंगे। तो दोनों में, दोनों वायर्ड के रेडियस को, स्फीयर के रेडियस और वायर्ड के रेडियस में हम रिलेशन ऑब्टेन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।